हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। यह है विंटर ऑफ वो पार्ट टू का एपिसोड, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव जो हम करने वाले हैं वो होने वाला है साइज मीडियम और कॉम्बैट स्टाइल ऑफेंसिव, जिसमें हमारा इकेरिस आता है। इकेरिस को मैंने रैंक टू पे रखा हुआ है, 6 स्टार के अवेकन नहीं है, रैंक टू पे रखा है। और इसके साथ में मैंने रैलिक भी जोड़ रखा है। एक रैलिक ऐसे ले लिया ताकि कल को अगर फंस जाए, हम किसी चीज में फंस जाए तो रैलिक यूज करके हम बच सके। तो यहाँ पे रैलिक में यूज कर रहा हूँ मैं। सारे बूस्ट भी मारने वाला हूँ, बूस्ट जरूर लगा लो ताकि फाइट को आप जल्दी से जल्दी खत्म कर पाओ। अब देखो, इकेरिस ना शॉक इम्यून है, और इकेरिस अगर ब्लॉक पे हिट करते हो सामने वाले को या आप लाइट हिट यूज करते हो तो आप पे बफ भी आता रहेगा। कम से कम आपको 3 बफ रखने ताकि ऑटो ब्लॉक जो है फेल हो सामने वाले का। इकेरिस शॉक इम्यून भी है तो आप इसके ब्लॉक पे भी हिट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है अनब्लॉकेबल वाले फेज में। अनब्लॉकेबल वाले फेज में आपको टाइम पास करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसके ब्लॉक पे हिट करना है। जितना ज्यादा हिट करोगे उतने ज्यादा बफ बनेंगे ताकि आप ऑटो ब्लॉक्स का फेल कर पाओ। और गाइज, स्पेशल वन स्पैम करो, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वन स्पैम करो। मैं इस पूरी फाइट में ज्यादातर स्पेशल वन ही स्पैम करने वाला हूँ, हो सकता है क्योंकि स्पेशल वन से आपके इंस्टेंट बफ जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे वो स्पेशल वन फेंकना पड़ेगा ताकि जो इंस्टेंट है वो खत्म ना हो और बार बार रिफ्रेश होते रहे। फिलहाल यहाँ पे देखो, मेरे ऊपर बफ नहीं है। अब मैं इसके ब्लॉक पे हिट करूंगा ज्यादा से ज्यादा, और बचना भी है, आपको ध्यान रखना है उस चीज का भी। रैलिक भी लेके आओ ताकि कल को फंस जाओ, अगर थोड़ी देर के बाद फंस जाओ इसमें तो अपना रैलिक यूज करके आप अपना एस्केप कर पाओ। और हाँ, आप इसको बार बार पैरी भी कर सकते हो, नलीफाई हो जाएगा एक बफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास ज्यादा से ज्यादा बफ होंगे, 3 से ज्यादा बफ रखो यहाँ पे ताकि आप बार बार इसको मार सको और ऑटो ब्लॉक भी फिल कर सको। यही चीज मैं इस पूरी फाइट में करने वाला हूँ। बीच में हाँ मार भी पड़ जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं अगर मार भी पड़ जाती है। यहाँ पे देखो, मेरे पे 2 बफ अभी भी है, एक आर्मर अप का, एक एनर्जाइज का, एंड यहाँ पे मैंने हैवी स्पैम कर दिया ताकि जो इंसर्नेट डीबफ है मेरे वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाए और हम यहाँ पे हमारे पास मौका मिल जाए एक और स्पेशल वन स्पैम करने का। ये मैंने स्पेशल वन एक और स्पैम किया, 48 इंसर्नेट्स लगा चुका हूँ, 586 का पर टिक में डैमेज आ रहा है उसको इंसर्नेट का। अच्छी बात यह है कि नेबुला इंसर्नेट इम्यून नहीं है। अब देखो, ये अनब्लॉकेबल हो चुकी है। अब अनब्लॉकेबल फेज में आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है। अगर यहाँ पे मार पड़ गई तो पड़ गई, और कोशिश ये करो कि नेबुला का सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वन ही स्पैम करवाओ ज्यादा से ज्यादा। स्पेशल टू अगर मारती है कोई दिक्कत नहीं, वो भी वो क्या बोलते हैं, उसको भी डेक्स करना बहुत ज्यादा ईजी है, लेकिन स्पेशल वन उससे भी ज्यादा डेक्स करना ईजी है। यहाँ पे आपको ओपनिंग भी मिल जाती है, स्पेशल टू में बहुत कम टाइम मिलता है आपको ओपनिंग का ताकि आप उसको मार पाओ। देखो, मैंने यहाँ पे अपने डिबफ जो है 72 तक ला रखे हैं इंसरनेट के। ज्यादा से ज्यादा इकेरिस के आई थिंक 240 ही आप कर सकते हो। हाँ, 240 इंसरनेट डिबफ ही लगा सकते हो, उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता होते हैं। फिलहाल यहाँ पे नेब्यूला जो है मैंने स्पेशल वन पे स्पैम कर दिया। ब्लॉक पे हिट करते रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा डिबफ आप पे आए और आप बार बार देखो, मेरे को लगता है इंसरनेट मेरे खत्म हो जाएंगे। हाँ, इंसरनेट खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार स्पेशल वन ही स्पैम करो, इंसरनेट लगाते रहो। आपको ये फाइट पेशेंस रखनी है, आपको ये फाइट में एआई की कोऑपरेशन चाहिए, और फाइट में बस हमको कुछ नहीं करना है, ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है इस चीज में। बस आपको पेशेंस के साथ खेलना है, फाइट लंबी हो सकती है, बस वही दिक्कत आएगी यहाँ पे। और कोशिश ये करो कि बार बार उसे स्पेशल वन ही स्पैम कराओ। देखो, मेरे इंसरनेट डिबफ जो है वो फिर से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे स्पेशल टू मार दिया मैंने, 10 इंसरनेट लगा दिया। स्पेशल टू मारना तो नहीं चाहता था लेकिन मार दिया। अब देखो, मैं यहाँ पे रूटेड भी हो चुका हूँ, इसलिए मैंने बोला रैलिक साथ में लेके आना, क्या कि रैलिक से आप बच सको एक बार में। यहाँ पे रैलिक यूज किया और मैं बच गया। देखो, अगेन मैं रूटेड हो चुका हूँ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये अभी शॉक वाले फेज में चल रही है तो अनब्लॉकेबल नहीं है एंड हम पैरी कर पाए इसको। यहाँ पे देखो, इंसरनेट लगा दिए मैंने 10। अगेन मैंने पॉज किए थे हैवी मार के। अब यहाँ पे मेरे पे बहुत सारे बफ है तो मैं ऑटो ब्लॉक इसका जो है वो फेल कर सकता हूँ। यहाँ पे 10, 16, 19, 22 इंसरनेट्स लगा दिए हमने। अगेन स्पेशल वन स्पैम करवाया, अभी ऑटो ब्लॉक करेगी। तो आपको इसके ब्लॉक पे हिट करते रहना है ताकि बफ आपके ऊपर आते रहे और आप इसको आराम से मार सको। 22 इंसरनेट लगा दिए अगेन हमने यहाँ पे, एंड ये हमारा एक और स्पेशल वन, ताकि इंसरनेट डिबफ्स जो है वो हमारे रिफ्रेश होते रहे और आगे उनकी जो पोटेंसी है वो बढ़ते रहे और नंबर भी बढ़ते रहे। 34 हो चुके हैं, 10 से शुरू किया था, फिर 22 पे पहुंचा दिया, फिर अब 34 पे पहुंचा दिया। नेक्स्ट टाइम अब जब फिर से मारेंगे स्पेशल, अब यहाँ पे 12 और जुड़ जाएंगे, 46 डिबफ्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे इंसरनेट के। ये हो गए 46 डिबफ्स हमारे इंसरनेट के। बार बार स्पेशल वन स्पैम करो ताकि इंसरनेट डिबफ्स जो है वो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं रिफ्रेश होते रहे। यहाँ पे हम स्पेशल वन पे अगेन पहुंच चुके हैं, ये मारा मैंने स्पेशल टू, अगेन यहाँ पे डबल कर दिए मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मेरे को हैवी मारना है
मैं सोचा था हैवी मारूं क्योंकि अब मैं रूटेड हो गया हूँ, मैं सोचा था यहाँ पे हैवी मारूं, लेकिन मुझे लगता है सारे के सारे डेमन्स जो है वापस से वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, हट जाएंगे, क्योंकि मैं स्पेशल मन स्पैम नहीं कर पाऊंगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं तो रिफ्रेश हो जाते और इंक्रीज भी हो जाते नंबर इसके। 46 अगेन में 12 पे पहुंच गया, 12 इंसानी डिबफ्स हमने अगेन लगा दिए हैं, अगेन हमें यहाँ पे हम पैरी कर सकते हैं, हमारा नलीफाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता उससे, आप फिर भी ऑटो ब्लॉक कर पाओगे। ओके यहाँ पे एनर्जाइज बफ आ चुके हैं हमारे पास 6, ये मैंने स्पेशल वन अगेन स्पैम किया, 24 स्पैम हो चुके हैं, 24 डिबफ्स लग चुके हैं, 41% पे पहुंचा दिए। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आराम से कूल माइंड से आपको ये गेम खेलनी है, कोई बात नहीं, सोलो नहीं होता है, रिवाइव यूज़ करो, एबीएस मैन की तरह नहीं है कि भाई ये रीजन कर लेगी पूरा, आप रिवाइव यूज़ कर सकते हो, आराम से इसको खेल सकते हो, कोई बात नहीं, अगर सोलो नहीं होता है रिवाइव यूज़ कर लो, मेन फोकस ये रहना चाहिए कि हमें कंप्लीट करना है, हमें पॉइंट चाहिए, विंटर ऑफ वो का पॉइंट चाहिए, ताकि जो रिवॉर्ड मिले वो बढ़िया वाले रिवॉर्ड मिले हमें। 38 मेरे मैंने ये कंप्लीट किया, तो इसी के साथ में जैसे ही हमें कंप्लीट करेंगे हमें एक ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट मिलेगा, एक कंप्लीशन का पॉइंट मिलेगा, मतलब टोटल 2 पॉइंट मिलेंगे हमें और हम पहुंच जाएंगे आई थिंक 3 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे विंटर ऑफ वूमेन, क्योंकि मैंने एबीएस मैन का सिर्फ कंप्लीशन किया था, मैंने वहां पे ऑब्जेक्टिव कोई भी कंप्लीट नहीं किया था, मेरे से हुआ ही नहीं। ओके फिलहाल हमने यहाँ पे 50 डीबफ्स लगा रखे हैं, मैं स्पेशल वन स्पैम करना चाहता हूँ एक, यहाँ पे इसने ओपनिंग दे दी, जल्दी से स्पैम करना पड़ेगा नहीं तो गया मैं यहाँ से। 62 डीबफ्स लग चुके हैं यहाँ। ओके तो यहाँ पे स्पेशल वन अगेन स्पैम कर दिया हमने, हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे वापस से वही चीज़ रिपीट करनी है, स्पेशल वन स्पैम करना है। देखो अनब्लॉकेबल फेज है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम पास करना है, और अगर आप पे टाइम पास नहीं हो रहा तो स्पेशल इंटरसेप्ट फेंक दो, जैसे हरक्यूलिस के साथ फेंकते हो, ये मैंने फेंका स्पेशल इंटरसेप्ट, और यहाँ पे जो डिबफ्स है वो वापस से रिफ्रेश हो गए। यहाँ पे आपको लाइट हिट ज़्यादा से ज़्यादा आप कैरिस का यूज़ करना, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एनर्जाइज जो बफ है वो आते रहे, क्योंकि लाइट हिट से ही आता है, चाहे ब्लॉक पे मारो चाहे कॉन्टैक्ट करो, आपको लाइट हिट ही यूज़ करना है ताकि डिबफ्स आते रहे। यहाँ पे मैंने अगेन स्पेशल वन स्पैम कर दिया एंड 86 डिबफ्स लगा चुका हूँ मैं यहाँ पे, आई थिंक मैंने 100 से ऊपर डिबफ्स लगाए थे इसके ऊपर। मैं यहाँ पे रैली की यूज़ किया लेकिन थोड़ा दिक्कत आ गई, मैंने गलत यूज़ कर लिया, उसको कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ वो। ओके यहाँ पे मैं वापस से लाइट हिट यूज़ कर रहा हूँ और मैंने आगे से फिर से इंसानी डिबफ जो है वो रिफ्रेश कर दिया, 98 इंसानी डिबफ लगा रहे हैं, 1325 का पर टिक का डैमेज मिल रहा है इंसानेट का इसको, एंड ये बच गई है टोटल 6% 5%, एंड यहाँ पे एक और स्पेशल वन में स्पैम कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ताकि ये अपना स्पेशल स्पैम करे और हम यहाँ पे अपना मार पाए। यहाँ पे पूरा हिट कॉम्बो यूज़ कर सकता हूँ मैं, ये आई थिंक ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत आसानी से, बहुत तरीके से, बहुत पेशेंस से हमने ये गेम खेली, ये वाला एपिसोड कंप्लीट किया, वह पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है, साइज मीडियम कॉम्बैट स्टाइल ऑफेंसिव ये वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, अब हमें करना है गॉड और मेटल वाला, उसमें मैं ओडिन यूज़ करने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, लाइक कमेंट ज़रूर करना, जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर दिया, बता देता हूँ। ओके यहाँ पे अगर देखा जाए हमको जाना पड़ेगा करीना चैलेंज में, देखो ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है साइज मीडियम का, अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, कंप्लीशन का एक और पॉइंट मिल गया, टोटल 3 पॉइंट हो गए होंगे हमारे, पहले एक था मेरे पास, टोटल 3 पॉइंट हो चुके हैं, हम ये रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। अब गॉड मेटल का करूंगा तो एक और पॉइंट मिलेगा, 4 हो जाएंगे टोटल। जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय।